बिफोर स्टार्टिंग द सेशन सब लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी ही क्यों मांगते हैं क्या स्टॉक ऑप्शंस में इनकम नहीं है अगर आप बाइंग में नहीं खड़े रह सकते प्रॉफिट में नहीं खड़े रह सकते ऐसे तो ऑप्शंस में कभी कमाई होगी ही नहीं क्योंकि गया हुआ पैसा वापस कभी नहीं आता जब पैसा जाता है ना भाई तो आंख से आंसू नहीं निकलते आत्मा रोती है नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ ज्योति बुदिया आज ऑप्शंस पे बात करेंगे और बाइंग ऑप्शंस और उसे आगे कैसे बढ़ाना है मुझे बहुत बार ये सुनने मिलता है कि हमने बाय कर लिया प्रॉफिट तो फटाफट बुक कर लिया लॉस में प्रीमियम जीरो कर दिया तो पहला क्वेश्चन अगर आप बाइंग में नहीं खड़े रह सकते प्रॉफिट में नहीं खड़े रह सकते तो लॉस में क्यों खड़े हो क्या चीज ज्यादा प्यारी है प्रॉफिट या लॉस अरे तो जो प्यारी है उसको रखो ना अपने पास वो तो आप जल्दी से उसे छोड़ देते हो और जिससे नफरत करते हो लॉस उसे होल्ड करके जीरो तक ये कॉन्सेप्ट भाई मेरे तो समझ में नहीं आया तो एक और बात सामने आई प्रॉफिट में फटाफट इसलिए बुक करते हैं क्योंकि होल्डिंग का पावर नहीं है और स्टॉप लॉस में ऐसा है कि मैक्सिमम लॉस तो उतना ही होना है जबकि प्रॉफिट अनलिमिटेड है अब ये जो बातें मैं आपसे कर रही हूं और यही बातें जब मुझसे स्टूडेंट्स लोग करते हैं आपको क्या लगता है कोई आपसे इस तरह की बातें करे तो आप इन बातों को कहां तक समझ सकते हैं क्या आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ नहीं लग रही है कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या बोल रहा है क्या कर रहा है ऐसे तो ऑप्शंस में कभी कमाई होगी ही नहीं फ्रेंड्स दो तीन चीजें तो मैं हमेशा कहती हूं और फिर से कहूंगी मुझसे सब लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी ही क्यों मांगते हैं क्या स्टॉक ऑप्शंस में इनकम नहीं है डिलीवरी तो भूल ही जाओ अगर मैं डिलीवरी सिखाने की कोशिश भी करती हूँ तो कैन यू बिलीव मेरे सारे जो डिलीवरी वाले वीडियोस हैं उनको सबसे कम व्यूज मिले हैं और यही अगर मैं आज बैंक निफ्टी वाला वीडियो कर दूं तो मुझे भी पता है कि वो वीडियो साल भर के अंदर अंदर साल भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ छ महीने के अंदर अंदर वन मिलियन पहुंच जाएगा वाई इट इज बैंक निफ्टी लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो वो लाखों छोड़ो हजारों में भी नहीं पहुंचता तो निफ्टी बैंक निफ्टी ही क्यों स्टॉक क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट चलो नहीं करना आपको एक और बात करूंगी बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना तो कहते हैं कि मेरे पास छोटा सा अमाउंट है उससे इन्वेस्टमेंट क्या करूं एग्रीड उसको जीरो कर सकते हैं लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट करके दस बीस हजार को पच्चीस हजार नहीं कर सकते जीरो कर सकते हैं एम आई राइट आपको मेरी बातें कड़वी लगती होगी बट जब पैसा जाता है ना भाई तो आंख से आंसू नहीं निकलते आत्मा रोती है क्योंकि गया हुआ पैसा वापस कभी नहीं आता कभी नहीं आता मतलब कभी नहीं आता क्योंकि आज आपने अगर पांच लाख खो दिया और कभी आपने पचास लाख या पांच करोड़ भी कमा दिया तो हमेशा मुंह से यही निकलेगा कि मैंने पांच लाख खोया था वो टीस जो है ना वो जिंदगी भर रहेगी कि मैंने इतना खोया है आप किसी भी ट्रेडर से पूछ लो जो आज प्रॉफिटेबल है उनके से एक ही बात निकलती है भाई मैंने भी खोया था और बहुत दुख पाया है बहुत मुश्किल से ऊपर आए हो मतलब जो खो गया जो लॉस हुआ था उसकी कमी जिंदगी भर महसूस होती रहेगी और सबसे बड़ी बात क्या हम स्टडीज को टाइम देते हैं दो तीन घंटा स्टडीज करते हैं एवरी डे अगर हम स्टडीज नहीं कर सकते या हमारे पास स्टडी करने का टाइम नहीं है कितने लोग तो कहते हैं हमारे पास जॉब है हमारे पास मार्केट देखने का ही टाइम नहीं है फिर भी आप हमको बैंक निफ्टी सिखाइए भाई जब तुम्हारे पास स्टडी करने का टाइम नहीं है मार्केट देखने का टाइम नहीं है सिर्फ जॉब कर रहे हो ऐसे में बैंक निफ्टी क्या करूंगी सिखा के मैं तो कहूंगी ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन को हाथ ही मत लगाइए सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम कीजिए और आराम से इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने दीजिए ये एक सेकेंडरी इनकम है जो आगे मेजर इनकम होने वाली है। तो आप समझ रहे हैं कि इसको कितनी मेहनत से स्लोली स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करना है जो मैंने थर्टी एट ईयर्स में सीखा है और उससे आगे बढ़ी हूं वो आप कम टाइम में कर सकते हो ओनली प्रैक्टिस स्टडी नॉलेज ये चीजों पे फोकस कीजिए इधर उधर की बातों पर नहीं आपका पैसा है आपको सोच समझ के ट्रेड करना है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आते हैं कि चार्ट देखा चार्ट देख के मैंने क्या देखा सबसे पहले जो मैंने आज तक और भी वीडियोस में सिखाया है ओपन इंटरेस्ट पर तो उनमें से मैंने एक चीज सिखाई थी शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ओपन इंटरेस्ट अप प्राइस डाउन और इसके साथ मुझे ओपन एंड हाई नियर बाय चाहिए राइट right? ओपन एंड हाई नियर बाय का मतलब क्या होता है कि लेटेस्ट से कि 703 में ओपन हुआ और high जो है अगर ये 711 हो गया तो फिर ये तो एक टके से भी ज्यादा हो गया मतलब सात रुपए से भी ज्यादा हो गया तो अगर हाई जो है 706 तक है हाई हाफ परसेंट लगभग छ या सात सात

होल्ड कर सकते हो अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो 706 के ऊपर 1% परसेंट अगर आप उतना रिस्क में कंफर्टेबल नहीं हो तो 703 के ऊपर 1% परसेंट अब यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है नहीं होता है यहाँ पे 10% परसेंट लक फैक्टर काम करता है बाकी सब नॉलेज काम करता है स्टडी काम करता है डिसिप्लिन काम करता है इसीलिए टेन लक भी होना चाहिए तो ये हो गया अब देखते हैं क्या आप भी ज्योति बुद्धिया मैम से एंड एंड टू ट्रेडिंग पढ़ना चाहते हैं? इफ़ हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू शेयर हमने ज्योति बुद्धिया मैम के साथ रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है दी ज्योति बुद्धिया लर्निंग पाथ इस लर्निंग पाथ में आपको ज्योति मैम के सभी कोर्सेज का एक्सेस वन गो में मिल जाएगा जैसे की आप देख सकते हैं

910.90 मतलब 911 हाई है 915.30 मतलब अप्रोक्सीमेटली हाफ परसेंट है पांच रुपए के हिसाब भी नहीं है साढ़े चार पौट पांच के करीब है ओपन हाई ऑलमोस्ट सेम हो गया और ये शॉर्ट बिल्टअअप भी था चलिए दिखाते हैं तो फ्रेंड्स ये धन की वेबसाइट है इसमें हम ओ आई गेनर देखेंगे ओ आई गेनरस में इतने सारे हैं तो हम परसेंटेज चेंज पे जाएंगे तो सबसे पहला हमें क्या दिख रहा है डीएलएफ एल दिख रहा है ना ओपन इंटरेस्ट अप और प्राइस डाउन तो ये दिख रहा है ना माइनस फाइव परसेंट और फोर्टी सिक्स पॉइंट डाउन है लेकिन सुबह साढ़े नौ बजे ये इतना डाउन नहीं था मेरी नजर और थोड़ी लेट गई थी तो इतना डाउन नहीं था फिर भी अच्छा था और एक शिकायत बहुत लोग करते हैं कि कैंडल कंप्लीट होने पर ही तो पता चलेगा कि ये मार्केट आज कहाँ बंद हुआ है आज का कैंडल शॉर्ट बिल्डअप में था कि नहीं साढ़े नौ के पहले जो पहली टिक होती है ना वहीं से कैंडल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और मैं पहली टिक की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ साढ़े नौ के बाद जब मैं देखती हूँ या शुरू के पंद्रह मिनट मार्केट सेटल होने को देते हैं फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो ये हो गया अब अब तो वो शिकायत नहीं है ना कि कैंडल खत्म होने के बाद ही पता चलेगा तो ये आ गया शॉर्ट बल्ट अब हम आते हैं एन एस सी ऑप्शन चेन और एनएससी ऑप्शन चेन में हम डी एल एफ हैं तो नौ सौ का जो हाई बनाया था अगर मैं देखूं तो रफली नौ सौ और नौ सौ पचास के आसपास ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए हैं सारे राइट और वही प्राइस था करीब करीब 911 के आसपास और अगर मैं दो दिन पहले का देखूं तो क्या प्राइस था मतलब येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे 933 राइट और उसके ऊपर सेम 933 तो 950 क्या मुझे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है यस 950 भी मुझे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है राइट ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट के वीडियो में बताया हुआ है आ, आप चेक करिएगा ये वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है अब इसे देख के मैं भी थोड़ी लेट एंट्री की थी और जब मैंने एंट्री की थी तो ये देखिए टाइम ट्वेल्व ट्वेंटी फोर और वो टाइम पे ये प्राइस साढ़े आठ सौ वाला इतना था एट एटी वाला इतना था मेरी एक हैबिट है फ्रेंड्स मैं 10 बारह हज़ार से ज़्यादा लगाती नहीं हूँ और ये नहीं कि बहुत दूर का ऑप्शन लूँगी नहीं तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा तो मैं यहाँ देखती हूँ कि हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है वो करीब 800 के आसपास है इसका मतलब कि शायद मार्केट और नीचे जा सकता है मैंने सुबह साढ़े की स्ट्राइक सेल अप्रॉक्सीमेटली बारह रुपये में बाई की क्या पुट क्योंकि मार्केट मुझे क्या लग रहा है वीक अब चलिए एक चीज और देखते हैं मैं किस तरह से मार्केट को देखती हूं और किस तरह से स्ट्रेटजी बनाती हूँ वो भी आपको सिखाती हूँ अब यहाँ पे मैं चार्ट को भी साथ में मिक्स कर रही हूं क्या मैं ये लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं यस ये पॉइंट और ये पॉइंट ये भी मुझे बताते हैं कि प्राइस जो है एक बार साढ़े आठ सौ टच कर सकती है राइट तो पहला स्पॉट साढ़े आठ सौ उसके बाद अगर ब्रेक किया तो स्विंग के हिसाब से हम ये प्रीवियस स्विंग लो वो जो है यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे राइट एक जो कि यहीं पे हमारा ये कंजंक्शन पॉइंट आता है उसके बाद हम ये बता देंगे कितना आ रहा है 800। अब इसमें एक और बात है क्या मैं इसे इस तरह से कर सकती हूँ थोड़ा सा जहाँ से ही पिछला हाई भी था और ये भी लेवल था तो सब पकड़ के ये 800 के आसपास एक्सपेक्टेड है जब तक ये वीडियो रिलीज होगी आई होप सो वो पहुंच भी जाए नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा क्या नहीं वो बाद में देखेंगे पहले मैं आपको पूरा ट्रेड मैंने कैसे लिया और क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस तो जो मैंने ट्रेड लिया तो मैंने क्या ट्रेड लिया उस हिसाब से 12 रुपए में पुट खरीदा अभी एसएल जो है मैं एप्रोक्सीमेटली 25% लगाती हूँ राइट तो इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट हो गया करीब करीब समझ लीजिए नौ रुपये के हिसाब से तीन रुपया तीन रुपये का सेल सोलह सौ की लॉट है साढ़े चार हजार चार हजार से पांच हजार के बीच का मैक्स रिस्क है अगर हिट हो गया तो एंड फ्रेंड्स जब मैं ऑप्शन बाय करती हूँ तो मेरी वो टाइम की जो स्टडी रहती है वहाँ से वन वीक या स्टॉप लॉस विच एवर कम फर्स्ट मैं वन वीक से ज़्यादा कोई भी ऑप्शन होल्ड नहीं करती हूँ भाई अपना पैसा है ज़ीरो करने की क्या जरूरत है फ्रेंड्स उम्मीद घर वालों से कीजिए उम्मीद अपने काम से कीजिए मार्केट में स्टडी नॉलेज डिसिप्लिन क्या आप भी ज्योति बुद्धिया मैम से ज्योति बुद्धिया मैम के साथ रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है ज्योति बुद्धिया लर्निंग पार्थ इस लर्निंग पार्थ में आपको ज्योति मैम के सभी कोर्सेस का एक्सेस वन गो में मिल जाएगा जैसे की आप देख सकते हैं इस लर्निंग पार्थ में टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शनिंग ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेडिंग और मैम के बाकी सभी you know in कोर्सेज करते हैं तो आपकी फीस कुछ टू टू था बट इफ यू बाई दिस तो आज ही इस लर्निंग पार्थ को सब्सक्राइब कीजिए और ज्योति मैम से ट्रेडिंग सीखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है मार्केट भी कायम है लेकिन आपका लॉस कायम रहेगा या प्रॉफिट कायम रहेगा वो आपके ऊपर है ट इट अब ये मैंने ले लिया मेरा स्टॉप लॉस नाइन और टारगेट क्या हो सकता है मैंने ग्रीक्स भी कवर किया है तो ग्रीक्स का भी वीडियो रिलीज हो चुका है आपको लिंक मिल जाएगी आप लिंक में देख लीजिएगा मैंने ग्रीक्स का वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि इतना मूव होने से मेरा ऑप्शन प्राइस इतना मूव हो सकता है तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि लेटर से तीस चालीस पॉइंट मूव कर जाएगा यहाँ से डी एल एफ डाउनवर्ड्स और ये वाले स्ट्राइक का डेल्टा होगा अप्रोक्सीमेटली पॉइंट थ्री ज़ीरो तो थ्री ज़ीरो इंटू थर्टी रुपीज़ लेटर से डेल्टा अगर पॉइंट थ्री जीरो है और थर्टी रुपीज़ का मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो नाइन रुपीज़ और बढ़ सकता है प्रीमियम तो मेरा टारगेट क्या होगा Approximately ट्वेंटी उसके बाद ऐसे ट्वेंटी फाइव तक पकड़ लेते हैं, राइट? तो ये तो पहला मैं बना के ट्रेड कर देती हूं अब उसके बाद क्या करना है यहाँ पे आती है सब लोगों की एंगजाइटी सब लोग यहीं पे आके एक छोटी सी चीज जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं शुरू में तो मैं भी नहीं कर पाती थी बहुत मुश्किल से इस लेवल पे पहुंची हूँ ऐसा नहीं है ये बहुत आसान काम है क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठते थे वो भी मैं आपसे थोड़ा शेयर करूँगी तो आते हैं ऑप्शन चेन में और ये मार्केट क्लोज़ का है मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लेके आपको कुछ समझाना चाहती हूँ आठ का हमने लिया था बारह में क्लोज़ होते होते चार रुपए मिल रहे 1600 सोलह सौ का लॉट है छ हजार है लेके भाग जाओ भाई एक्सपेक्टेशन तो बड़ी थी अरे यार कल लेके जाएंगे तो फिर रिस्क हो जाएगा कल को अगर नीचे गिर गया तो क्या करेंगे चलो अगर मैं आपको ऐसा रास्ता बता दूं कि आपका लॉस और भी कम हो जाएगा ना के बराबर हो जाएगा और अगर प्रॉफिट आई तो थोड़ी ज्यादा आ जाएगी राइट तो मैं क्या करूंगी कि जाते जाते 830 का पुट सेल कर दूंगी ये मेरा बाय खड़ा है मैं ये छोड़ा नहीं है मैंने ये बाय किया है और ये सेल करके बेर पुट स्प्रेड बना दूंगी राइट अब कॉस्टिंग क्या हो गई बारह रुपये में बोल लिया था दस सवा दस का ये हो गया चलो दो रुपया दो रुपए दो के कॉस्ट पे मैंने स्प्रेड बना दिया अब अब तीन चार रुपए प्रॉफिट तो हम बुक कर रहे थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं हम उसको जीरो कर रहे थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मैंने ये दो रुपए का डेबिट स्प्रेड जैसे ही बनाया वैसे ही मेरे पास लोगों के क्वेश्चंस की लाइन लग जाती है इसमें तो मार्जिन लगेगा बिल्कुल लगेगा लेकिन वो मार्जिन तो रिफंडेबल है क्यों कि रिस्क तो सिर्फ दो ही रुपए का है ना तो मार्जिन जो है वो रिफंडेबल है अब मार्जिन देखिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं अब वन वीक की जगह में टू वीक भी होल्ड कर सकती हूँ क्यों क्योंकि रिस्क जो है वो निग्लीजेबल हो गया और इसे भी हम जीरो नहीं होने देंगे। डोंट वरी। दूसरी बात, इसमें तो हो गया। भाई मेरे वो ही तो मैंने किया प्रॉफिट तो ऑलरेडी आप लिमिटेड रखते हो दो या तीन रुपए में प्रॉफिट बुक करते हो लॉस ही तो दस बारह रुपए तक खड़े रहते हो तो मैंने क्या किया लॉस को लिमिट करके दस बारह की जगह दो कर दिया प्रॉफिट तो ऑलरेडी आपने लिमिट कर रखा था तो प्रॉफिट के लिए मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी बट लॉस जो दस रुपए का आप जीरो कर सकते थे वो मैंने लाके खड़ा कर दिया दो रुपए पे ये जाते जाते कर दिया मैंने अब मेरा रिस्क कितना सिर्फ दो रुपया बत्तीस सौ रुपया मेरा एस एल पहले कितना था तीन रुपया राइट क्योंकि नौ रुपये के हिसाब से अब मैं अगर जीरो भी करती हूँ तो एस एल तो दो ही रुपया फिर भी एक रुपया बच गया तो ये हो गया मेरा फूड स्प्रेड वर्स सिनेरियो मैक्स मैक्स टू रुपीस स्टॉप लॉस राइट तो जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस था तीन रुपया वो भी बन गया दो रुपया अब आते हैं फेवरेबल कंडीशन पे मान लो ये प्राइस 850 से उतर के नीचे आता है तो आप कहोगे भाई ये पुट भी बढ़ रहा है 830 का बिल्कुल बढ़ेगा ये भी और ये भी बढ़ेगा तो मुझे फुल ट्वेंटी रुपीज नहीं मिलेगा लेकिन अभी मुझे कितना मिल रहा है इसमें चार रुपया भाई अगर चार का मैं सात बना लेती हूँ या नौ बना लेती हूँ या ग्यारह बना लेती हूँ मतलब दो तीन चार रुपया एक्स्ट्रा कमा लेती हूँ इसमें से तो क्या वो बड़ी बात नहीं हो जाती मैंने क्या किया एक सिंपल पुट उठाया उसको पुट स्प्रेड में कन्वर्ट किया मार्जिन दे दिया मार्जिन कितना लगेगा मार्जिन जो है आपका जो नॉर्मल एफ है उसका थर्टी फाइव परसेंट ऐसा कुछ लगता है फुल मार्जिन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप हंड्रेड परसेंट ओपन रिस्क में नहीं है हाँ तो इसमें एक और सवाल ऐसा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो एट फिफ्टी वाले में तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है लेकिन 830 वाले में लॉस आ रहा है तो मैं 850 का काट लूं और 830 का छोड़ दूं अरे भाई मैंने तो आपकी स्ट्रेटेजी लॉक कराई है जिससे कि आपकी लॉस कम हो काटनी है तो दोनों काटना ऐसा मत कर देना कि एक प्रॉफिट वाला काट लिया लॉस वाला खड़ा छोड़ दिया सब बंटाधार हो जाएगा तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर लिया तो रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं और जहां मुझे लाख रुपया या दो लाख का मार्जिन देना है सपोज डेढ़ लाख का मार्जिन है उसकी जगह मुझे पचास हजार का मार्जिन देना है और पचास हजार मार्जिन जो मैंने दिया है उसके सामने अगर मुझे दो तीन रुपये भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो तीन रुपए का मतलब भी साढ़े चार हजार रुपया तो कितना बेनिफिट होता है सात आठ दस टके का जो मार्जिन का दिया हुआ है भाई एक एक रुपया सोलह सौ सो रुपया बनता है तो जब हम प्रॉफिट लेने जाते हैं तो हम अगर इस तरह से चलें तो क्या बुरा है एंड फ्रेंड्स इसी तरह से स्ट्रैटेजीज बनाते जाए काम करते जाए तो मज़ा भी आएगा क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ये है क्या यही चीज़ है कि हम स्लोली स्लोली स्ट्रैटेजिकली मार्केट के अकॉर्डिंग अपना मूवमेंट रखें और स्ट्रैटेजीज बनाते जाए जैसे जैसे हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे दिमाग और खुलेगा देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है उसके अंदर से एक छोटा सा मोती मैंने कर दिया है वो है पुट स्प्रेड इसमें यस स्टॉपलॉस हिट हो सकता है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके साथ क्या करना है एग्जिट ही कर देती हूँ मैं तो रिपेयरिंग की जगह मैं तो सीधा एग्जिट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो बहुत क्लेवर हैं वो रिपेयरिंग करते हैं मैं उतना टेंशन नहीं पालना चाहती इसलिए मैं एग्जिट कर जाती हूँ तो सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है ये एक छोटा सा आपको दिया है ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है और लोगों के डाउट्स भी बहुत होते हैं तो मैंने अपसर्च के साथ मिलके इन सब क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देने के लिए कुछ सेशंस रखे हैं या उसे मेंटरशिप प्रोग्राम कह लीजिए जो कहना हो तो आपको जो समझना हो थोड़ा बहुत उसमें समझ में आ जाएगा थोड़े बहुत आपको कोई डाउट्स है वो मेरे से पूछना चाहते हो वो समझ सकते हो रेगुलर वे में आपको मेरी हैंड होल्डिंग या मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं एडवाइजरी नहीं दूंगी लेकिन अगर स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी में से अगर आप स्ट्रैटेजी निकाल के बनाते हैं मुझे भेजते हैं तो मैं उसमें क्या गलती है वो बता सकती हूँ और स्टॉप लॉस वगैरह सब आपको समझा सकती हूँ शायद आपको उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए समझने में बट अल्टीमेटली स्टडी तो आपकी ही काम आएगी और फ्रेंड्स मैं सच कह रही हूँ आज भी इतने साल हो गए मुझे लेकिन रोज दो तीन घंटे की स्टडी मैं आज भी करती हूँ ऐसा नहीं है नहीं करती हूँ बिल्कुल करती हूँ क्यों क्योंकि मुझे भी तो मार्केट से पैसा कमाना है तो फ्रेंड्स ये था मेरी बैरपुट स्ट्रैटेजी और ऑप्शंस में ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं बहुत बना सकते हैं ये तो एक समुंदर है चलिए ये स्ट्रैटेजी ट्राई करिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्ते